टू माई चैनल मिशन एक्सप्लोरर 3.0। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं फिर से आई हूँ आप सब लोगों के लिए एक नया व्लॉग लेके, और वो व्लॉग जो है बहुत ही अलग, बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आज का जो व्लॉग है वो है हरे कृष्णा विलेज रेस्टोरेंट का। तो यहाँ पे जो है पूरा विलेज का दृश्य आपको देखने को मिलेगा मेरे इस वीडियो में। कितना प्राइस है और बच्चों के लिए क्या प्राइस है, एडल्ट के लिए क्या प्राइस है, और खाने में क्या क्या मेन्यू है, क्या क्या एक्टिविटीज़ है, वो मैं आपको इस पूरे वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, कहीं मत जाइएगा। टिल देन चलते हैं अंदर और करते हैं मज़े। चलिए चलते हैं। तो अभी टिकट के बारे में आपको ये बताएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या चाहते हैं? बेसिकली इस टाइप से हमारा मेन्यू होता है, देख सकते हैं राइट साइड में। खाने के अलावा अंदर कुछ एक्टिविटीज रहती है, जैसे कि पपेट शो है, मैजिक शो है, राजस्थान फोक डांस है, कुमार मेहंदी, छोटे बच्चों के लिए प्ले एरिया, सेल्फी, ये सारी कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज रहती है। और चार्जेस की बात करें तो अडल्ट के लिए 620 चार्ज है, और 5 से 10 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए 350 चार्ज है। रिसेंटली रेस्टोरेंट को 5 साल कम्प्लीट हुए हैं, और तो उसके लिए जो हमारे रेट्स है थोड़ा कंसेप्शन हम दे रहे हैं, जिसमें अडल्ट के लिए 45 रुपीज़ पर हेड ऑफ है, और बच्चों के लिए 5 से 10 साल के बच्चों के लिए 25 रुपीज़ ऑफ है। ये जो ऑफर है 28th ऑफ अक्टूबर तक वैल्यू है। थैंक यू। रिसेप्शन हॉल से अंदर आते ही यहाँ पे किचन आता है पहले, और आप देख सकते हो गांव में कैसे होता था मटका रखने का सब। और ये छाछ बनाने वाली मशीन जो पहले यूज़ होती थी ऐसे, अभी तो सब मशीनों में बन जाती है इजीली। और ये मसाले पीसने के लिए वगैरह होता है, आपने बहुत बारी देखा होगा गांव में। और ये सब बर्तन रखने के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं, और ये इसमें भी कुछ सामान रखने का है, टेबल है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे चूल्हा, अभी फ़िलहाल इसमें लाइट लगी हुई है, और मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का तवा यहाँ पे रखा हुआ है इसके ऊपर। तो एंटर होते ही यहाँ पे जो है गांव का दृश्य बना हुआ है, तो पूरा गांव का दृश्य मैं आपको सिनेमैटिक व्यू में दिखाती हूँ। दृश्य दिखाया, अब बारी है इस गार्डन को दिखाने की। और आप देख सकते हो यहाँ पे गार्डन में चेयर्स लगी हुई है, खाट लगे हुए हैं, और उस पर कुछ इस तरह से बेडशीट वगैरह लगा के रखे हैं। आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो, बैठ सकते हो। यहाँ की मैं जब से यहाँ पे आई हूँ ना, वापस सुविधा इतनी अच्छी है, जैसे यहाँ पे पानी मतलब पिलाने के लिए भी यहाँ पे है सुविधा, और आप देख सकते हो यहाँ पे रेस्ट करने के लिए सुविधा है, बैठने के लिए सुविधा है। तो मुझे सबसे अच्छी यहाँ की सुविधा लगी, और अभी आगे आगे आप देखना कितनी अच्छी अच्छी सुविधा आपको मिलेगी यहाँ पे। और अंदर आने के बाद अभी मैं बात करती हूँ आपको टिकट की, जो कि मैंने ले रखी थी। और टिकट का प्राइस पर पर्सन आज 590 हमको दिया है, क्योंकि आज जैसे कि भैया ने बोला कि आज ऑफर था, 5 ईयर्स पूरे हुए हैं इस जगह को, इसलिए बाकी यहाँ का जो है 650 टिकट है पर पर्सन, और एडल्ट का जो है 350 है। तो आप कर सकते हो, 5 ईयर्स के ऊपर के जो बच्चे हैं उनका 350 है चार्ज, बाकी 5 ईयर्स के नीचे के बच्चों के लिए खाना, एक्टिविटीज सब कुछ फ्री है, एंट्री तक फ्री है। और अभी तो मैंने सिर्फ आपको इतनी चीज़ें बताई, अभी तो आगे और भी चीज़ें बताने बाकी है। आप और भी ज़्यादा मज़ा करोगे इस वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटीज़ इतनी अच्छी होने वाली है। अभी तक तो जादूगर बाकी है, पपेट शो बाकी है, और फोक डांस जो होता है राजस्थानी वो भी बाकी है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। अभी फ़िलहाल आप मेरे पीछे देख सकते हो वो है कुम्हार, और वहाँ पे हम जाएंगे और अपने हाथों से मटकी बनाएंगे, और आप भी बना सकते हो, जैसे कि टिकट में इंक्लूड है ये। तो चलिए मैं भी जाऊंगी और ट्राई करती हूँ बनाने का, मैंने कभी फिलहाल लाइफ में ऐसा कभी किया नहीं है कुछ, बट आज फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी कैसे बनता है। चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गार्डन है, और गार्डन के जस्ट बाजू में यहाँ पे देख सकते हो आप गांव के जो खेतीबाड़ी में यूज़ होते हैं वो सारे यहाँ पे हैं।
आई एम सॉरी, मुझे कुछ बोलना नहीं आ रहा क्या है वो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, मुझे सिर्फ इसका नाम पता है कि इसको हॉल बोलते हैं। और ये बैल को बांधने के लिए यूज करते थे। ये सारी चीज़ें खेतीबाड़ी में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। और उनके ही बाजू में है ये बैलगाड़ी, आप देख सकते हो यहाँ पे ये बैलगाड़ी। और बैलगाड़ी के बाजू में है ये किड्स प्ले एरिया। अगर आप अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आते हो तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेगी, जैसे ये कर रहा है मेरे साथ आया हुआ। कब से बहुत एक्साइटेड था झूला, इसको बहुत शौक है झूला झूलने का। जाएंगे पॉपेट शो देखने, और यहाँ पे मैंने सुना है बहुत अच्छा पॉपेट शो होता है, जैसे कि गुड्डी को मतलब नचाते हैं, कुछ होता है प्रोग्राम, तो चलिए देखते हैं। हाँ जी सेठ जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सेठ जी, मैडम जी, नमस्कार, स्वागत है आप लोग हरे कृष्ण विलेज गार्डन रेस्टोरेंट में। देखिए आपके सामने आ गई है राजस्थान के रहने वाली गुलाबो बाई, राजस्थान के रहने वाली है, राजस्थानी डांस दिखाएगी आपको। देखिए काट की कठपुतली है, धागे से चलती है, और जैसे आपके सामने उंगलियों के इशारों से डांस दिखाती है। नमस्ते करो सभी को पहले, नमस्ते। आज थोड़ा डांस दिखाती है, आपने देखी होगी, जिसमें कटप्पा युद्ध करते हुए देखा होगा आपने, पर ये बाहुबली 3 वाले कटप्पा है, जिसमें आपको कटप्पा डांस दिखाने वाले हैं। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था पता है? किसी को भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं। चलो इनसे पूछ के बता देते हैं आपको। ऐसी बात है, बोल रहे उसने मेरे को गंजा बोल दिया था पकड़िया, तो मैंने कहा तारो बाप और टंगो। कदर करने वाले आप जैसे साथी मैडम जी लोग को ये कलाकारी दिखाने वाले हैं आज, सबको डांस करवाएगा मजा नहीं आएगा, तो ये आपको थोड़ा डांस के साथ में मैजिक भी दिखाएगा। हाँ ये जादूगर माइकल जैक्सन है, जादूगर माइकल मैजिशियन।
पे है ये फोटोग्राफी के लिए एरिया, बहुत ही अमेजिंग एरिया है। गार्डन है छोटा सा, लाइट्स लगे हुए, इस टाइम पे तो बहुत ही अलग नज़ारा देखने को मिल रहा है। और ये पीछे एक हाउस भी बना हुआ है जैसे कि गांव में होता है, बहुत ही अच्छा। इसे बाहर से जो है एकदम गाँव के जैसा लुक दिया गया है, तो चलिए नज़दीक जाके देखते हैं। तो किड्स प्ले एरिया के जस्ट पीछे है फोक डांस, जहाँ पे फोक डांस परफॉर्म करते हैं, बहुत ही अमेजिंग होता है मैंने सुना है यहाँ पे, तो आज देख भी लेते हैं, चले चलते हैं। मैजिक शो देखने, जो कि मैंने सुना है आपका मैजिक शो बहुत अच्छा होता है, चलिए आज देख भी लेते हैं। खाली आते फिर मट्टी उठा के बोल देंगे कुछ लोग आपके अंदर आता है मेहंदी वाला है, बैठ जाओ यहीं पे दीदी, दीदी को गायब कर दो, मेहंदी लग रही है, तुम चले काशी जा, काशी जा जल्दी, काशी इधर आ जाओ, इधर मुंह करो, इधर मुंह करो, और ऐसे हाथ करो, बोलो कितने सिक्के हैं, आपके हाथ में चार बन जाएंगे, दोनों सिक्के ऐसे मुट्ठी में बंद करना, ठीक है, भूक मार के इधर में फेंकेंगे, चार हो जाएंगे, बंद करो, अब भूक मारो, यहाँ पे फेंको दीदी, देखो जी चार सिक्के अच्छा खड़े हो जाओ, तुम्हारे पास में नहीं है, मिल गए, देखो जी ये पेंट लाओ, और ऐसे पकड़ लो इसको, इसमें फूंक मार दो जोर से, इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, और देखो साहब हमारे गुरु जी ने बोला है कोई भी ये फूल पकड़ लेता है ना उसका एक कान काट लेना, थोड़ी उसकी नाक काट लेना, तुम डरना नहीं, देने थोड़ी थोड़ी काटेंगे साहब, ज्यादा नहीं काटेंगे, कोई बात नहीं काट दो, जुबान काट दो, उसकी जुबान बहुत चलती है, पहले नाक काट, अरे मत इतनी इतनी काटनी है, अच्छा नाक काट नहीं काटेंगे, देखो इसका जादू, ये फूल है ना साफ उड़ के किसी की भी नाक में घुस जाएगा, फूंक मार दो, केले पे डाल दो,
हट चला गया, पता नहीं किसके पास है, देख लेते हैं। दीदी एक उम्र इसमें नहीं, तुम्हारे पास नहीं, तुम वहीं चले जाओ, उसी पर इधर देखना पड़ेगा। एक तुम काप लगा दो दीदी, इनके पास भी नहीं है साफ। दीदी आप भी रेडी? हाँ, फूल बन के तैयार हो गया है। देखो साहब, जानवर इस टोकरी के अंदर है, बड़ा खतरनाक वाला। देखो ये खाली है, पानी पीने गया, अभी अभी था, इसमें कुछ भी नहीं है, खाली है। इसको अलग रख देते हैं, इसमें कुछ नहीं है। देखो साहब, ये खाली टोकरी में आपके सामने जानवर बनेगा, मैं इसे रखूंगा, बन जाएगा। मेरे पास में है जानवर, आपके नजर में आता है बताना। देखो कैसे बनता है, थैले में जड़ी रखी है, निकालता हूँ। ये खाली टोकरी है, देखिए जी इसमें जानवर कैसे बनता है। नहीं नहीं, थैले में नहीं है कुछ, आप थैला देख लो, ये खाली है। इसको मैं अलग रख देता हूँ, ठीक है ना सर? नहीं नहीं, कपड़े में नहीं, यह कपड़ा तो मेरा बिल्कुल खाली। ये देखो सर, टोकरी में बता रहे हैं, टोकरी में कुछ नहीं है। देखो अच्छा, इसमें बता रहे हैं, इसमें भी नहीं है। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, साहब कह रहे हैं इसमें जानवर रख दिया। अगर साहब इसमें जानवर होता ना, तो आपको पहले से ही दीप जाता। हाँ, नहीं है, नहीं नहीं खाली टोकरी है। देखो साहब कुछ नहीं है ना। हाँ हाँ, इधर हिल रहा है ना, इधर हिल रहा है, ये जानवर देखो, ये है। नहीं, टोकरी मेरी खाली है, इसमें कुछ नहीं है। देखो पैर है, क्या है? हाँ, ये कोई जानवर है? ऐसी बात कर रहे थे, इधर कोई जानवर थोड़ी घुस रहा है मेरे कुर्ते के अंदर। नहीं नहीं, जानवर अभी आया नहीं, आने वाला है और आपके सामने आएगा। देखो साहब, जानवर इसी खाली टोकरी यहाँ पे आएगा। देखिए जानवर, मैं बता दूँ कहाँ पे है। देखो जरा, ये पूंछ है, कान देखोगे इसका, ये कान है। देखो अभी बोल के सुनाता है। चल भाई एक बार बोल के सुना कैसा जानवर है, सुनो जी इसकी आवाज। बोल रहा ना साहब, अच्छा डमरू को निकालता हूँ, जानवर आपको बड़ा अच्छा बना के दिखाऊंगा, आप खुश हो जाएंगे साहब। यहाँ से मत लेके आ, ऊपर से आएगा, देखिए साहब बहुत दूर से आ रहा है। बुचड़ू, ये बुचड़ू का जादू है साहब, बड़ा सुंदर जानवर देखिए बन के तैयार हो गया है। दिल्ली से आया है, दिल्ली से इधर से। सभी साहब लोगों को एक बार राम राम बोल के सुनाओ। देखो साहब अभी बोलेगा, जोर से बोल, उधर मत जा। देखो कैसे बोलता है, बोल, धीरे बोल रहा है, नाराज हो गया है, इसका साथी नहीं आया ना, इसलिए आप कह दो तो बुला लूं साहब। बोलो, कपड़ा डाल के या ऐसे ही बुला दे? ऐसे ही बुला, ऐसे ही उसको भी लेके आ, पकड़ लिया। देखिए साहब घुचड़ू, ये सब जादू घुचड़ू का है। अभी भी आपको एक से दो बनाने हो तो क्या बोलेंगे? हाँ, ऐसे डबल बन जाएगा। मैजिक शो हमने देख लिया है और बहुत ही अमेजिंग मैजिक शो था, तो अभी चलते हैं आगे और क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पे इतनी सारी एक्टिविटीज़ देखते देखते थक गए, तो मैं फ़िलहाल वापस यहाँ पे रेस्ट करने के लिए बैठी हूँ। और यहाँ पे फ्री जूस की भी सर्विस यहाँ पे मिलती है, और बहुत ही अमेजिंग जूस है, मैंने अभी भी ट्राई किया, बहुत ही अमेजिंग जूस है। तो आप भी यहाँ पे आओ, ठंडा जूस है, बहुत अच्छा है, रिलैक्सिंग है। तो फ्रेंड्स, ये जो मेहंदी है, यहाँ पे मेहंदी भी लगती है, और ये जो है टिकट में इंक्लूड है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपकी जो भी पसंद की मतलब मेहंदी होगी, वो यहाँ पे लगा के देंगे आपको, जो मैडम चेयर पे बैठी है वो।
place is heaven. I mean, I'm just in love with this place. इतनी amazing place है यार. मतलब first time ऐसा कुछ experience किया है मैंने अपनी life में जो कि बहुत ही मज़ेदार है. तो आप लोग तो यार ज़रूर आना यहाँ पे, because आपको भी उतना ही डबल मज़ा आने वाला है जितना मुझे आया है. चलिए आगे चलते हैं. चलते हैं खाना खाने क्योंकि डिनर का टाइम हो चुका है. चले चलते हैं. तो अब मैं आई हूँ, फिलहाल डिनर का टाइम है तो डिनर करने. और यहाँ पे कैसे बैठने की सुविधा है वो मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ. और यहाँ पे काठियावाड़ी राजस्थानी फूड मिलता है जो कि बहुत ही डिलीशियस होता है. तो चलिए हम भी जाएंगे और ट्राई करेंगे. चले चलते हैं. जैसा कि मैंने आप लोगों को बाहर दिखाया था, यहाँ पे ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट है जहाँ पे नीचे बैठ के आप खाना खा सकते हो जो कि बहुत ही अच्छा है. रबड़ी, पापड़, मोहन थाल, दाल बाटी आ चुकी है. अभी और देखते हैं आगे क्या आता है. फ्रेंड्स, तो अभी मैं जो है एक्टिविटीज कंप्लीट करके यहाँ पे एक साइड में बैठी हूँ और मैंने मेहंदी भी लगवा ली है जो कि बहुत ही प्यारी तरीके से उन्होंने मेहंदी लगाई है मेरी. और यहाँ पे टोटल जितनी भी एक्टिविटीज है, ओह माय गॉड, अमेजिंग. मतलब इतना मज़ा, इतना एंटरटेनमेंट. मतलब मुझे पता भी नहीं कि लास्ट मैंने कब इतना एंटरटेनमेंट हुई थी मैं. और यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा मज़ा आया. अगर आप अच्छे से इस शहर के मतलब वातावरण से दूर आना चाहते हो तो यहाँ पे आओ, एंटरटेन करो और बहुत मज़ा आएगा आपको. यहाँ पे एक्टिविटीज़ एक से बढ़कर एक है. और खाना इतना लाजवाब था, इतना डिलीशियस खाना. आप यहाँ पे आके एक बार खाना तो यहाँ का ज़रूर टेस्ट कीजिएगा. बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है खाने का. और वो लोग जो इतने प्यार से सर्विस करते हैं ना खाने के, वो खुद सर्व करते हैं हमें, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है. जैसे कि और खाना मैं बोल दूँ आपको, अनलिमिटेड है यहाँ पे खाना. आपको जितना चाहे आप उतना आपको पेट भर के आप खा सकते हो. और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे कैसे आना है. तो पोदार इंटरनेशनल स्कूल नैर रोड जो है उसके जस्ट बाजू में ही है ये हरे कृष्ण विलेज हाउस. तो यहाँ पे आप ज़रूर आइए और बहुत ही अमेजिंग जगह है. आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. और कौन सी एक्टिविटी अच्छी लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. तो फिलहाल अभी इस वीडियो को यही एंड करते हैं. मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो.